अंतिम रूप से जो सिलेक्शन होता है वो कोचिंग नहीं कराती, ये सच्चाई है। जैसे मेरे साथ था, मैंने एक टेस्ट लिखा था, मैं बताता हूँ, तो उसमें मुझे 17 नंबर आए थे, तो फिर मैंने उस टाइम पे टेस्ट लिखना छोड़ दिया था। पर्सनली मैं फील करता हूँ कि जो व्यक्ति रेगुलर नहीं है उसको बीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो टेंथ है वो 60% से मैं पास हूँ, एज सच कोई बहुत ज्यादा परसेंट नहीं है मेरा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, मतलब जरूरी नहीं है कि बचपन से जो टॉपर है वही टॉपर बनेगा। अभी का जो माहौल चल रहा है सोशल मीडिया का, ये बहुत हावी होता जा रहा है हर स्टूडेंट की लाइफ में। आपके होने और नहीं होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सिलेक्ट हो तो आपका इम्पोर्टेंस है, नहीं हो तो फिर आप लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ कोचिंग वाले फोटो क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले हैं, उनको कोचिंग चलाना है। इस बार जो सिलेक्शन रेशो है वो भोपाल के चेहरे ज्यादा उभर रहे हैं, क्या मानते हैं आप इसको? इंदौर में जो कोचिंग वाले हैं वो इस चीज से सीख लेकर के, या बच्चे कुछ सीख लेकर के, ईमानदारी से तैयारी करना है, खुद पे भरोसा रखना है, आपके ऊपर आपके परिवार वालों ने जो भरोसा दिखाया है उसको आपको साबित करना है, प्रूफ करना है। तो आप मेहनत करते जाइए तो सफलता एक दिन, जैसे मेरा इंटरव्यू हो रहा है आपका भी इंटरव्यू होगा। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 23 जून को एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। आप लोग एमपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे करें? आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला लेकर आया है न्यू बैचेस। साइड में आप बैचेस देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल बैच दिया गया है, मेंस के लिए बैच दिया गया है, फाउंडेशन बैच दिया गया है और टेस्ट भी दिया गया है। यहाँ पर एक्चुअल प्राइस देख सकते हैं और उसके बाद जो डिस्काउंट है वो प्राइस भी देख सकते हैं। यदि आप इस पे और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको 500 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें से किसी भी प्रकार का कोर्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और कोर्स को परचेस कर सकते हैं। याद रहे ये ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्दी करें। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2021 रिजल्ट आए हुए काफी टाइम हो गया है और हम लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे साथ में है प्रियंक मिश्रा, जिनका सिलेक्शन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है और उनकी रैंक है 5th रैंक। कैसे ये सिलेक्शन हुआ और कैसे डीसी मिला इनको, क्या अप्रोच रहती थी, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए कम समय में फाइनली सिलेक्शन हो सके, तो भैया से जानेंगे पूरा ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्री जो अभी हुई थी 2024 वाली, उसमें भी लगातार मैंने बहुत सारी जो नामी संस्थान है उनके टेस्ट डाले थे, एफएटी डाले थे, तो काफ़ी सारे वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी टॉपर्स हैं जिनके भी इंटरव्यू लिए हैं उनकी भी मैंने कॉपियाँ वहाँ पर शेयर कर रखी हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद भाई। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम प्रियंक मिश्रा है और मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रैंक 5 यानी 5वें रैंक के साथ हुआ है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का रहने वाला हूँ। अशोकनगर का एक छोटा सा गाँव है बहादुरपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो मैंने कस्बे के स्कूल से की थी, उसके बाद फिर मैं संस्कृत गुरुकुल में पढ़ा हूँ। तो संस्कृत गुरुकुल में मैंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद फिर मैं यहाँ भोपाल में कॉलेज है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और इसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद संस्कृत से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है, फिर मैं दिल्ली चला गया था, तो दिल्ली में जो JNU है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने संस्कृत विषय से ही मास्टर्स किया है और संस्कृत में ही PhD किया हुआ है। और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी कर रहा था MPPSC की, तो 2021 में मुझे 5वीं रैंक मिली है। ये मेरा मतलब एक सामान्य परिचय है। ओके, आपका अटेम्प्ट कौन सा है ये? ये मेरा मेंस के लेवल पे देखें तो 3रा अटेम्प्ट था। 2019 मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैं इंटरव्यू तक गया था। और 2020 मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसमें मुझे सहकारिता निरीक्षक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी और नायब तहसीलदार की वेटिंग में पहले नंबर पे नाम था मेरा। और इसके अलावा 2021 मेरा 3रा मेंस था जिसमें डिप्टी कलेक्टर मुझे मिल गया। इसके अलावा मैंने 2022 का भी मेंस दिया था और 2023 का भी, तो इस प्रकार मैंने टोटल 5 मेंस दिए हैं
तीसरा मेरा ये मेंस था, 2022 में भी मैं सिलेक्ट हूँ, इंटरव्यू कॉल हुआ है, 2023 सब रिजल्ट अभी तक आया। ओके, जैसा कि सबको ये रहता है कि लिस्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, पहले क्या आपको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वो भी डीसी के पोस्ट पर और वो भी एक अच्छी रैंक के साथ में? नहीं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा है तो मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और चूंकि थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई एमपीपीएससी के लेवल पे कि 2019 का जो रिजल्ट था वो पहले आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया था, तो 2020 का 2019 मेरा पहला मेंस था और मैंने बहुत समर्पण के साथ 2019 की तैयारी की थी और 2019 के मेंस मेरे अनुमान के हिसाब से भी बहुत अच्छे गए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि 2019 का जो मेंस है उसमें मुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, पर इसी बीच 2020 का सिलेबस आया, 2020 में सिलेबस भी बदल गया था तो वो नया सिलेबस था तो अलग चुनौती थी, उसमें साइंस का जो सेक्शन था वो ऐड कर दिया था एक पूरा का पूरा पेपर, तो चूंकि मैं संस्कृत बैकग्राउंड से था साइंस कभी मैंने पढ़ा नहीं था तो मेरे लिए बहुत चुनौती थी कि साइंस से कैसे निपटा जाए। 2019 के सिलेबस में मैंने थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी पर उस तरीके से नहीं पढ़ा था क्योंकि 2019 का सिलेबस आसान था मुझे ऐसा लगता है तुलनात्मक रूप से, 2020 में साइंस गणित ये सब चीज़ें जोड़ दी थी जो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी किसी भी लेवल पे, तो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। पर 2020 में भी इंटरव्यू कॉल हुआ मेरा जब मैंने प्रिपरेशन किया, तो 2020 में मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई, नायब तहसीलदार वेटिंग थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 2019 मेरा अच्छा गया है तो फिर मेरा हो जाएगा तो। लेकिन जब 2019 का रिजल्ट मतलब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी ज़्यादा ठीक नहीं हुआ था कंपेरेटिवली 2020 की तुलना में, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 2019 में फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मुझे अच्छी पोस्ट मिलेगी, तो फिर उसके बाद ऐसा था कि फिर मैंने सोचना थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि एक बार जब हम फेल हो जाते हैं तो फिर उम्मीद करना कम कर देते हैं। मतलब 2020 में सिलेक्शन हो गया था तो और उम्मीद बढ़ गई थी कि हो सकता है 2019 में मिल जाए, फिर लेकिन 2019 में जैसे नहीं हुआ तो फिर उम्मीद कम हो गई कि फिर मैंने आशा करना छोड़ दिया था, फिर मुझे उतना इंतजार भी नहीं था। मतलब मेरा ये था कि 2020 की तुलना में थोड़ा ठीक हुआ था मीन्स, तो ऐसा लगता था कि हो सकता है हो जाएगा, पर चूंकि नहीं हुआ था तो एक वो भी था कि हो सकता है ना भी हो, तो फिर मैंने एक बैलेंस बना लिया था कि होगा तो भी ओके है, नहीं भी होगा तो भी ओके है। मतलब 2019 में 21 में सही बताऊं तो मैंने इतनी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतनी अच्छी रैंक मिल जाएगी। ओके, मतलब आपकी जो प्रैक्टिस रही थी फिर भी वो काम आई है इसमें? हाँ, चूंकि मैं दो इंटरव्यू दे चुका था तो उतना डर नहीं था, उतना मतलब माइंड फ्री था थोड़ा सा इंटरव्यू के टाइम पे भी, तो उसने भी इंटरव्यू में मेरी हेल्प की तो इंटरव्यू में भी स्कोर अच्छा हुआ, तो ऑल ओवर जो स्कोर मेरा बना वो इतना बन गया कि मतलब मैं रैंक लाने में कामयाब हो गया। ओके, टॉपर्स का इंटरव्यू करते हैं, जैसे आप कहीं कर रहे थे कई सारे टॉपर्स बताते हैं कि आपको प्री से स्टार्ट करना चाहिए, कहीं बताते हैं कि मेन से, कोई बताता है कि आपको दोनों पैरेलल चलना चाहिए, का क्या अप्रोच रहना चाहिए? देखो, प्रिपरेशन एक बहुत लंबी जर्नी होती है पीएससी की, क्योंकि अब 2024 से या 2025 की जो ऑडियंस है मतलब अब फिर से सिलेबस बदल गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल में जो 24 का मेंस नहीं दे रहा है 25 पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए यही सही रणनीति होगी, या चूंकि मैंने भी ये चीज़ फेस की है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप प्री तैयार कर भी लेते हो, आप बहुत सारे एमसीक्यू लगा भी लेते हो, मान लो कि आपने 1,00,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए एमसीक्यू के, आपने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया, लेकिन अगर आप मेंस के लिए रेडी नहीं है तो आपका प्रीलिम्स निकालना कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने की वैल्यू प्रीलिम्स निकालने के दिन तक ही है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसमें कोई नंबर तो जोड़ते नहीं है आपके फाइनल जो मेरिट है उसमें, तो इसलिए हमें मेंस के लेवल पर तैयारी करनी चाहिए। मतलब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि प्रीलिम्स में मेरा कमजोर था, पहले पास होने लायक मार्क्स में ले आता था लेकिन जब से मैंने मेंस की प्रिपरेशन की और उसके बाद फिर मैं प्रीलिम्स देने गया तो जो कट ऑफ रहता था उससे हमेशा 4-5 नंबर मेरा ऊपर ही रहता था स्कोर, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि पहले हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और मेंस की प्रिपरेशन के थ्रू यदि आप जाते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीलिम्स बहुत आसानी से हो जाता है, उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। मतलब मैं अपना बताता हूं, मैंने पहले बहुत एमसीक्यू लगाए थे 2019 के पहले, लेकिन 2020 का मैंने मेंस पढ़ा और प्रीलिम्स के फिर मैंने बहुत कम 10-15 टेस्ट 20 टेस्ट नहीं लगाए होंगे, और 2021-22 में तो एक दो टेस्ट लगा के हम लोग चले गए थे, क्योंकि मतलब जो प्रीलिम्स का सिलेबस है लगभग वही मेंस का सिलेबस है, उसकी डिटेलिंग है, तो आप मेंस का सिलेबस यदि बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत डिटेलिंग के साथ कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स में आपको फिर हेल्प हो जाती है। पीएससी कितना टाइम मांगती है, कितना टाइम तक आप हाँ हो जाते तैयार? सबके लिए अलग अलग सीमाएं हैं, अब जो एस्पिरेंट है उसको अपने आप को पहले खुद को जज करना होगा कि वो किस लेवल पे है, यदि आप बिल्कुल नए हैं, क्योंकि पुराने जो एस्पिरेंट हैं वो इतने अनुभवी हो जाते हैं कि उनको बताने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो नए बच्चे हैं या जो थोड़ा सा शुरू कर चुके हैं बीच में है 1-2 साल ही जिनको प्रिपरेशन किए हुए हुआ है, तो मुझे लगता है कि पीएससी 1 से 1.5 साल पूरा मांगती है मतलब आपका, और वो भी ऐसा मांगती है कि आप इसके अलावा कुछ और ना करें।
मतलब फुल डेडिकेशन के साथ 1 से 1.5 साल तो वो मांगती है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है, एक तो 6 पेपर हैं कंटिन्यूस होते हैं, तो आपको पेपर के बीच में गैप नहीं मिलता है। तो इसलिए जब आप मेंस देने जा रहे हैं या प्रीलिम्स देने भी जा रहे हैं, तो आपके पास चीज़ें ये होनी चाहिए कि आप रेडी टू अपीयर हो, मतलब आप एग्जाम देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार तब होंगे जब आपका पूरा सिलेबस होगा, और उसमें भी लगभग 40 के आसपास सब्जेक्ट आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ने पड़ते हैं। तो इतने सारे विषयों का सामान्य परिचय भी आपको चाहिए तो भी टाइम लगता है। तो अगर कोई नया बच्चा है जो शुरू करना चाहता है या नया एस्पिरेंट है, तो उसको 1 से 1.5 साल तो मतलब इतना पीएससी मांगती है। यदि आप सीरियसली इतना पढ़ते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेंस में जो 6 पेपर होते हैं, हाँ, सभी को टाइम बराबर देने की आवश्यकता है या फिर किसी को ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है? ये डिपेंड करता है कि हम प्रिपरेशन के किस लेवल पे हैं। यदि हमने स्कूलिंग बहुत ज्यादा अच्छी की है तो फिर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट पीएससी के सिलेबस में लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो सिलेबस से हटके चीजें हैं उन पे आपको काम करना है। और यदि आपने सिलेबस या स्कूलिंग या आपकी कॉलेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो फिर आपको सारी चीजें नए तरीके से पढ़ना पड़ेंगी। तो ये चीज है। अब उसमें भी फिर ये है कि आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम लोगों के साथ में भी फिर आपकी स्टडी स्किल कितनी अच्छी है, आपने न्यूज़पेपर पहले कितने पढ़ रखे हैं, आपकी शब्दावली कैसी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीछे के जो 3 पेपर हैं, अब तो हालांकि अलग रोल हो गया है, तो पीछे के जो 2 पेपर हैं, खास करके हिंदी का जो पेपर है और निबंध का जो पेपर है, उसमें यही एक, चूंकि दोनों हिंदी माध्यम में होते हैं तो आपको आना चाहिए, हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी शब्दावलियाँ अच्छी होनी चाहिए, संधि समास और हिंदी व्याकरण की जो सामान्य जानकारी है वो आपकी उत्कृष्ट लेवल की होनी चाहिए। यदि आपकी वो नहीं है, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तब भी नहीं है, तो आपको उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो निबंध लेखन है, वो भी स्किल तभी डेवलप होती है जब आप कंटिन्यूसली चीज़ें पढ़ते रहते हैं। जैसे कि आपने निबंध पढ़ रखे हैं, मतलब सॉरी निबंध कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो संपादकीय या जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उन मुद्दों पर आप अगर कोई समाचार देखते हैं, तब जा करके आपकी वो स्किल डेवलप होती हैं कि आप G20 पे कुछ लिख पाएँ या क्लाइमेट चेंज पे कुछ लिख पाएं या धर्म संस्कृति अध्यात्म पे कुछ लिख पाएं। तो ये हुए पिछले लास्ट 2 पेपर की बात। 4th पेपर जो है, अब जो नया उन्होंने सिलेबस लगाया है उसमें उन्होंने उद्यमिता और प्रबंधन जैसे कुछ विषयों को जोड़ा है। पहले 4th पेपर जो था वो एक ही पार्ट में होता था, अब जो नया है वो 2 पार्ट में कर दिया है उन्होंने। पहला जो पार्ट है उसमें तो लगभग पुराना सिलेबस ही है, जो नया पार्ट जोड़ा है तो उसके लिए मुझे लगता है कि अलग से कॉन्सेप्ट हैं जो आज मार्केट में चल रहे हैं। MBA के कुछ सब्जेक्ट उसमें लगे हुए हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप और ये जो मैनेजमेंट वाली चीजें जो भी है, तो ये नई चीजें हैं। ये आपको मतलब इसका रिलायबल सोर्स मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो इस स्टडी फील्ड में है उनकी जो ग्रेजुएशन लेवल की और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक है, उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट यदि आप पढ़ते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि वो कम्प्लीट हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर पेपर को आपको बराबर समय देना है। हाँ, यदि आप एकदम नए हैं, कुछ नहीं पता है पीएससी के बारे में, तो फिर आपको बराबर समय देना चाहिए। बाकी यदि आप जैसे आपने स्कूल में अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है, तो फिर आप उन चीज़ों को साथ में चलते चलते दूसरे पेपर के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये कमियां पहचाननी होंगी अपनी खुद की कि आप कमज़ोर कहाँ पर हैं और आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष कौन सा है। तो जहाँ पे आप कमज़ोर हैं उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस उन चीज़ों को कवर कीजिए, और जो आपका अच्छा पार्ट है उसको बस ये कि रेगुलर प्रैक्टिस करते करते कम चीज़ों के साथ उसको मैनेज करना चाहिए। ओके, जो बिगनर स्टूडेंट है, जो भी नए आने वाले हैं, इसमें कई सारे कमेंट आते हैं कि यार हमें कोई अच्छी कोचिंग बता दीजिए, कौन सी बेस्ट कोचिंग है, आपके हिसाब से कितना क्या कोचिंग का रोल होता है? देखिए, कोचिंग सिलेक्शन में मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ऐसा कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कोचिंग के स्टूडेंट रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं भी रहे। बिल्कुल। तो कोचिंग का रोल क्या होता है सिलेक्शन में, ये स्टूडेंट को खुद प्ले करना होता है, क्योंकि अंतिम रूप से जो सिलेक्शन होता है वो कोचिंग नहीं कराती है, ये सच्चाई है। कोचिंग आपको, यदि आप एकदम नए हैं, तो दिशा दे सकती है, आपको पढ़ना कैसे है चीज़ों को, किन किन सोर्सेज से पढ़ना है, वो दिशा दे सकती है, उसके लिए कोचिंग का काम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, और हर व्यक्ति नहीं होता है, इसको स्वीकारने में कोई अपने को मतलब वो नहीं करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। यदि आपकी क्षमता है कि आप अकेले कर सकते हैं तो आप कीजिए, और यदि आपकी क्षमता नहीं है तो मुझे लगता है कोचिंग करने में कोई बुराई भी नहीं है, यदि आपको कोई दिशा दे रहा है, आपको कोई सोर्सेज बता रहा है। हाँ, ये है कि एक टाइम के बाद कोचिंग का इम्पोर्टेंस भी फिर कम हो जाएगा प्रिपरेशन में, लेकिन शुरुआत अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम मतलब कोई कह दे कि आप कोचिंग करो ही मैं, तो फिर उसका बेचारे का सिलेक्शन ना हो स्टूडेंट का। तो आप यदि करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है, रेगुलर मेंटरशिप की जरूरत है,
रेगुलर आपको कोई पढ़ने को बोले तो उसकी ज़रूरत है। तो एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप सेल्फ मोटिवेशन भी करें, सेल्फ मेंटरशिप भी कर लें और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते भी रहें, उतना अकेले अपने लेवल पर मैनेज कर सकते हैं, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोचिंग करना चाहिए और ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मेंटल स्टेट बच्चे को खुद पता होना चाहिए या जो उसके पेरेंट्स हैं जो उसको प्रिपरेशन कराना चाह रहे हैं उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा, आपने मेंस के बारे में बता दिया, अब आंसर राइटिंग के बारे में बताइए आप कि आंसर राइटिंग का आपका कैसे क्या प्लान रहता था, कैसे क्या आप आंसर राइटिंग करते थे? क्योंकि मेन जो अगर देखा जाए तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि मेंस में आंसर राइटिंग का रोल रहता है। आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपनी प्रिपरेशन का। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने की, क्योंकि एक रहता है सिलेबस को कंप्लीट करना, दूसरा उसको रिवाइज करना, तीसरा रहता है उसको अपने शब्दों में लिखना। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट है वो किताब की भाषा पूरी उतार नहीं सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी लिखने की स्किल क्या है और हम आंसर को कैसे लिख रहे हैं और एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो रेगुलर उसको हम एनहेंस करते जाएं, समृद्ध करते जाएं, अपने उत्तर को रिच करते जाएं। और वो कैसे होगा, जब आप रेगुलर लिखेंगे, रेगुलर लिखेंगे उसको देखेंगे, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको दिखाएंगे या जो आपके मेंटर्स हैं उनको दिखाएंगे। ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें मतलब आंसर राइटिंग के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। आपको हमेशा से ये देखना होगा कि आप किस लेवल पे हैं और किस लेवल पे जो टॉपर्स हैं वो किस लेवल पे हैं या जो सिलेक्टेड लोग हैं वो किस लेवल पे हैं। तो यदि आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो कई बार शुरू में ऐसा रहता है कि यदि आप बिगनर हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। जैसे मेरे साथ था, मैंने एक टेस्ट लिखा था, मैं बताता हूँ, तो उसमें मुझे 17 नंबर आए थे। तो फिर मैंने उस टाइम पे टेस्ट लिखना छोड़ दिया था। मैंने ये सोचा था कि अब फिर जो है एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी आंसर लिखने में। मतलब मैं बस तैयारी शुरू की और लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। बस ये है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके हमें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और उसी को क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, उनके टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन का पहले मटेरियल पढ़ें, उसका अपने लेवल पे शॉर्ट नोट्स तैयार करें और उसके बाद फिर उसे लिखें, और लिख करके फिर आप किसी जो मेंटर हों या आपके जो गाइड हों उनको दिखाएं, वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। और इसके साथ ही फिर ये भी है कि रेगुलर लिखना पड़ेगा आपको, रेगुलर मतलब क्योंकि ये जो परीक्षा है ये हमेशा से मतलब तीन चार चीज़ें मैं बोलता हूँ कि समर्पण बहुत ज़्यादा मांगती है, अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा मांगती है, निरंतरता बहुत ज़्यादा मांगती है। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग रेगुलर करना चाहिए। और रेगुलर करने के साथ साथ हम जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको फिगर आउट करके उनके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी का, तो ये खास करके MBPSC UPSC वाले एस्पिरेंट के साथ में होता है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको कैसे क्या बनाए रखें? देखिए, ये आपको मेंटल स्टेट प्रिपेयर करना होगा। आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, या आपकी मेंटल स्टेट क्या है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एस्पिरेंट को आती हैं तैयारी करने के दौरान। मतलब ये चीज़ें रहती हैं जो आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ तोड़ देती हैं। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस माइंडसेट के साथ जाइए कि आप कंसिस्टेंट रहना है वॉट एवर कंडीशन कुछ भी हो। तो ये चीज़, मतलब ये चीज़ मैंने फील की है, क्योंकि यदि बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए और तैयारी से बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वो रेगुलर नहीं थे, जबकि उनका दिमाग अच्छा था, पढ़ने में मुझसे ज़्यादा अच्छे थे, बेहतर कर सकते थे, और हो सकता है कि वो लगे रहते तो हो भी जाता। तो पर्सनली मैं फील करता हूँ कि जो व्यक्ति रेगुलर नहीं है उसको PSC या UPSC का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपके बारे में बात करना चाहूँ मैं, तो आप स्कूलिंग आपका कैसा क्या था, मतलब पढ़ने में आप कैसे क्या थे? मैं स्कूल में मतलब शुरुआत में ठीक ठाक स्टूडेंट था, फिर जब मैं गुरुकुल में गया तो वहाँ पे फिर मैं ऐसा एवरेज स्टूडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे भी थे। तो अपना स्कूलिंग का बताता हूँ, तो मेरा जो 10th है वो 60% से मैं पास हूँ। एज सच कोई बहुत ज़्यादा परसेंट नहीं है मेरा, हाँ, बस ये था कि फर्स्ट डिवीजन आ गई थी, हाँ। और 12th में मेरे 78% है। ओके। तो कह सकते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। ऐसे बहुत ज़्यादा, और जो एवरेज स्टूडेंट हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर करते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो या तो IIT वाले या मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि टॉपर होना या स्कूल में होशियार होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कंसिस्टेंट और रेगुलर आप किसी एग्जाम के साथ कितना रहते हैं वो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ाता है। तो क्या मतलब कोई भी एक एवरेज वाला भी अगर लगता है कि एक टॉप रैंक ला सकता है इसमें? बिल्कुल ला सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज बच्चे ही UPSC और MPPSC में करते हैं, या
मतलब कंसिस्टेंट आप रहते हैं तो जो एवरेज बच्चा है वो भी मतलब आगे बढ़ के और टॉपर बन जाता है। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। मतलब जरूरी नहीं है कि बचपन से जो टॉपर है वही टॉपर बनेगा। बाद में यदि आप सीरियस हो जाते हैं, लेकिन वही है कि आप सीरियसनेस को बनाए रखते हैं तो आप भी फिर टॉपर बन सकते हैं। आपने दूसरों से क्या डिफरेंट किया? पहले प्रयास में शायद आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में हुआ था। हाँ जी। फिर अभी डीसी में हो गया। हाँ जी। तो लगातार दो बार सिलेक्शन लेना और सेकंड बार तो डीसी लिया आपने, तो डिफरेंट क्या किया था आपने? मुझे लगता है कि मतलब 2020 में भी अगर मुझे इंटरव्यू में मुझे 121 नंबर मिले थे और अगर मुझे 10 नंबर और भी मिलते तो मुझे सेकंड क्लास पोस्ट कोई भी मिल जाती। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लेवल पे मतलब दो चीजें हैं, मैंने लगभग 80 नंबर मैंने बढ़ाए हैं दोनों एग्जाम को कंपैरिजन अगर देखें तो 50 नंबर मैंने मेंस में बढ़ाए हैं और लगभग 25 नंबर मैंने इंटरव्यू में बढ़ाए हैं। तो ये दो सेक्शन थे। तो इंटरव्यू भी एक आपके जो फाइनल रैंक बनती है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें ये दिखाता है कि मतलब इंटरव्यू के, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि जो टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं उनमें इंटरव्यू में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो यदि इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं होता या जितना हुआ उससे और थोड़ा बेहतर मैं कर पाता, 5-10 नंबर और बढ़ा पाता, तो हो सकता है मेरी रैंक और बढ़ जाती, या 5-10 नंबर और कम आते तो हो सकता है मुझे डीसी नहीं भी मिलता। तो ये इंटरव्यू भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हर एस्पिरेंट को, मतलब मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। और उसके लिए मतलब इंटरव्यू भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। एक पेपर बराबर रोल, मतलब 6 पेपर को अगर आप इंटरव्यू को इंक्लूड कर देते हैं तो 7 पेपर हो जाते हैं। तो एक पेपर बराबर ही रोल प्ले करता है। मतलब आपको शुरुआत से ही इसके साथ में चलना चाहिए, जो आप प्री और मेंस पढ़ रहे हो इसके साथ में इंटरव्यू को भी तैयार करते रहना चाहिए। मतलब पर्सनालिटी के ऊपर अपनी काम करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू से करना चाहिए, आपका मेन मतलब आपका मेन फोकस होना चाहिए मेंस। क्योंकि अगर मेंस आपका कंप्लीट नहीं है तो आप प्री निकाल लोगे तब भी कोई मतलब नहीं है, और मेंस कंप्लीट नहीं है तो इंटरव्यू देने का भी आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मेंस तो ऐसी चीज है कि आप चाहे प्रीलिम्स देखो चाहे इंटरव्यू देखो, मेंस तो होना ही चाहिए। मेंस आप सीरियसली करते हैं तो इंटरव्यू की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप हो जाती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमी है, आपके व्यक्तित्व में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो फिर आप इंटरव्यू पे काम कर सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका उस दिन, बोर्ड वगैरह का? उस दिन सौभाग्य से हनुमान जयंती का दिन था इस बार जब मेरा इंटरव्यू था 23 अप्रैल को। और मैं कॉन्फिडेंट था, इस बार ये था कि 2019 में फेल हो गए थे तो अब इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था। मतलब फिर ये था कि बहुत ज्यादा आशा करके नहीं जा रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा था कि चिल रहना है, जितनी चीजें कवर अप हो सकती थी अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लिया था, करंट अफेयर्स देख लिया था, और मेरी जो एजुकेशन है गुरुकुल वाली जो शिक्षा है वो जो मैंने ग्रेजुएशन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में पूरी जानकारी ली। और होपफुली इंटरव्यू ये था कि मेरा सारा सब्जेक्ट भी था जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, और सबसे अच्छी चीज़ इंटरव्यू की मेरी ये थी कि 100% एक्यूरेसी थी। मतलब जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे एक भी ऐसा नहीं था जो मैं नहीं बता पाया था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। अब उस दिन मतलब सौभाग्य कह लीजिए या मेरी तैयारी कह लीजिए जो भी रहा हो, पर सबसे अच्छी चीज जो मतलब मुझे लगी इंटरव्यू में जो हेल्प किया कि वो थी मतलब मैं सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, और चूंकि मैं पहले से सिलेक्ट भी था तो ये भी मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आया हूँ अपनी पोस्ट बढ़वाने के लिए। ये मतलब मैंने मेंशन कर दिया था कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट तो मैं ऑलरेडी हूँ। तो ये भी हो सकता है कि इस चीज का फर्क पड़ा हो। तो ये मतलब इंटरव्यू की जर्नी थी। वैसे आपका डेली का पढ़ने का क्या रूटीन रहता था, क्या फॉलो करते थे? डेली का मेरा जब मतलब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था तो हमारा ये रूटीन रहता था कि मैं सुबह उठता था लगभग 6:30 बजे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योग वगैरह करके, और 8 बजे से हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे। 8 से लगभग फिर हम दिन भर पढ़ते थे ऑलमोस्ट। ग्रुप में पढ़ते थे? हाँ, ग्रुप स्टडी करते थे हम लोग। 5-6 लोग थे हम लोग, जिसमें से 3 लोगों ने हमने इंटरव्यू दिया था तो 2 लोग हम फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। और 2-3 लोग हमारे और भी साथ मतलब अन्य जॉब में चले गए हैं, वो पीएससी में तो नहीं। तो ग्रुप स्टडी करते थे, ग्रुप स्टडी हम 4-5 घंटे करते थे। इसके बाद एक साथी है मेरे तो हम 2 लोग फिर दिन भर पढ़ाई करते थे। तो ऑलमोस्ट हमारा रूटीन ये रहता था, हम 6-7 से 8 घंटे रोज पढ़ते थे। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ ये था कि एग्ज़ाम जब आ जाता था मीन्स तब हम अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते थे उसको 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक भी ले जाते थे। लेकिन ये तब की बात है जब आपका मेंस 1-1.5 महीना दूर है, और बाकी कंसिस्टेंसी जो आपके रेगुलर है वो लगभग 6-7 घंटे आपको रोज देना पड़ेगा, कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको। बिल्कुल, का जो माहौल चल रहा है सोशल मीडिया का, ये बहुत हावी होता जा रहा है हर एस्पिरेंट की लाइफ में, इससे अपने आप को कैसे बचाएं? इसको सबसे अच्छे बचाने का मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट है मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। मतलब मेरे अकाउंट्स हैं, सब कुछ है,
पर ये था मेरे पास सोशल मीडिया के नाम पे ट्विटर था जो अब एक्स हो गया है, और वो भी इसीलिए था क्योंकि मैं उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फॉलो करता हूँ, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करता हूँ, तो जो ऑफिशियल न्यूज़ है, जो अपने काम की न्यूज़ है, कोई प्रोजेक्ट आया है या कोई वैसी न्यूज़ आई है जो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको देखने के लिए मैं उसको दिन में 10-15 मिनट देखता था। इसके अलावा मैंने अपना फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दिया था, इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया था, साइन ऑफ कर दिया था, मतलब कुल मिला के मैं खोलता नहीं था। और मेरा ये था कि 3-3, 4-4 महीने खोलना नहीं है, फिर एक दिन खोल के फिर से बंद कर देना है। तो मेरा सबसे अच्छा सजेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए। तो यदि आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आपको भी सोशल मीडिया से मतलब थोड़ा सा तो कटना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो ना तो सोशल मीडिया के मिले नोट से होता है, ना वहाँ के पेपर से होता है, ना वहाँ के डिस्कशन से होता है। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो जब आप ऑफलाइन मोड में आपने जो किताबें पढ़ी हैं, किताबों का जो कंटेंट है उससे जो आपने नोट्स बनाए, सिलेक्शन आपका उसी से होता है अल्टीमेटली। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो होना भी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए एस्पिरेंट में। यदि आप सीरियस हैं तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि सबकी मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम 5 मिनट चला रहे हैं इंस्टाग्राम या 10 मिनट चला रहे हैं, पर हम कोई चीज़ देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में आधा घंटे या 1 घंटे तक वैसे भी रहती है। फिर हमने कोई पोस्ट कर दिया तो एक हमारे अंदर एक क्रेविंग रहती है कि कितने लाइक्स आ गए या कितने कमेंट आ गए, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप उस चीज़ से बिल्कुल ही कट जाओ, क्योंकि आपके होने और नहीं होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सिलेक्ट हो तो आपका इंपॉर्टेंस है, नहीं हो तो फिर आप लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप मतलब उस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ दें। ओके, एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ जी, कि लाइब्रेरी का जो चलता है माहौल यही बना हुआ है कि लाइब्रेरी जाओ बस पढ़ो, वहीं लाइब्रेरी जाना चाहिए। देखो, लाइब्रेरी पढ़ाई नहीं होती है, ये इंदौर और भोपाल या ग्वालियर जैसे शहरों की बड़ी समस्याएं हैं लाइब्रेरी। मतलब मुझे ऐसा लगता है, चूंकि मैं तो छोटे से शहर में रहकर मैंने तैयारी की है, अपनी प्रिपरेशन की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं गया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। मास्टर्स के टाइम पे मेरा चूंकि नेट और जेआरएफ भी है संस्कृत में, तो उस टाइम मैंने लाइब्रेरी की थी, लेकिन वो कॉलेज की लाइब्रेरी थी। अभी जो लाइब्रेरी वाला माहौल कोचिंग्स का चल रहा है वो मुझे लगता है कि बच्चों को बिगाड़ने के एक तरीके हैं, क्योंकि उसमें ये रहता है कि आप जाते तो पढ़ने हो लेकिन आपके वहाँ पे नए दोस्त बन जाते हैं, फिर आप सुबह आधा एक घंटा चाय पे डिस्कशन होता है, फिर लंच के टाइम पे 2 घंटा आप खराब करते हो, फिर शाम को फिर डिस्कशन होता है, फिर किसी दोस्त का बर्थडे हो जाता है तो 1-2 घंटे उसमें चला जाता है, और हर दूसरे चौथे दिन किसी ना किसी का बर्थडे है, कभी मन नहीं लग रहा है तो पार्टी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको भटकाती हैं। मतलब लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए आप ज्वाइन कर रहे हैं कि पढ़ना है, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और लाइब्रेरी में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्त बनाने से बचिए, क्योंकि लाइब्रेरी के दोस्त बनते हैं, बातें होती हैं, बातें बढ़ती हैं, किसी का जन्मदिन है, किसी का मूड ऑफ है, किसी को कहीं जाना है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों से फिर आप अफेक्ट होते हैं, बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लाइब्रेरी भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई गुमनाम सी लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए जो आपके रूम से थोड़ी सी दूर हो, वहाँ आपके दोस्त नहीं होने चाहिए। मतलब कुल मिला के ये कि आप पढ़ रहे हैं तो अकेले पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, या तो फिर ऐसा है कि ग्रुप्स बना लें, ग्रुप बनाएं तो अपने जैसे लोग जो अपने समान लेवल है, जिनका मेंटल स्टेट जिनका समान है, बुद्धि जिनकी आप जैसी, ऐसे 2-4 लोगों का ग्रुप बनाएं और फिर रूम पे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि लाइब्रेरी जा रहे हैं, आपके ग्रुप्स हो गए हैं दोस्तों के, लाइब्रेरी के ग्रुप्स हैं, उसमें चैटिंग चल रही है, मस्ती चल रही है, किसी ने क्या शेयर कर दिया, किसी के पे क्या कमेंट आ गया, उन सब चीज़ों से खुद को बचाए रहेंगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। आजकल कोचिंग पे फोटो हर जगह लगी रहती है, मान लीजिए आप ही का सिलेक्शन हुआ है, आप ही की फोटो 4 या 5 जगह है, उनको देख के जो बिगनर स्टूडेंट है वो देख के उस कोचिंग पे जाता है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कोचिंग वाले फोटो क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले हैं, उनको कोचिंग चलाना है, उनको बच्चे चाहिए, लेकिन वो फोटो इसलिए लगा देते हैं कि तैयारी के दौरान किसी ना किसी फेज में स्टूडेंट उनसे जुड़ा हुआ रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम से जो है तैयारी करके आया और उसका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, जैसे हम भी हैं, मतलब मेरे भी पढ़ाई के सोर्सेस बहुत सारे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी कोचिंग वाले या किसी जो चला रहे हैं कोचिंग वर्तमान में उनसे मेंटरशिप ले ली है या किसी तरीके का परिचय रहा है। सबसे ज्यादा कोचिंग से जो इंटरेक्शन होता है वो होता है इंटरव्यू के टाइम पे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जाता है मॉक इंटरव्यू देने और कोचिंग को वो मतलब मिल जाता है कि वो एक फॉर्म फिलअप करा लेते हैं और उसके बाद वो फिर फोटो लगा देते हैं। तो सबसे पहले बिगनर्स का मुझे ऐसा लगता है, यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उस कोचिंग में पढ़ाने वाले कौन हैं और उस कोचिंग में पढ़ाने वालों का लेवल क्या है। इसके लिए आप डेमो लीजिए, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्योंकि इतनी ऑनलाइन क्लासेस तो फ्री ही हैं, तो एक बार एश्योर कर लीजिए, उसके बाद ही फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए अगर आपको करना है तो। क्योंकि कोचिंग में ऐसा है कि सब, और ये भी संभव है, मतलब सत्य है कि एक टॉपर 10 जगह से तो नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि आप एक बार जब सीरियस हो जाते हैं उसके बाद फिर आप कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं लगती है, जो आपके मेंटर हैं वो आपको उतना एक मोटिवेशन दे देते हैं टाइमली, और उसके बाद फिर आप कर पाते हैं।
तो बच्चों को चेक करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए, सेल्फ चेक करना चाहिए और डेमो लेना चाहिए, बार बार उनसे पर्सनल क्वेश्चन करने चाहिए। तो कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, जब आप बच्चे को लगे कि वो हमें हमारे प्रिपरेशन में हेल्प कर देंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और उसमें भी जो फैकल्टी है कोचिंग में जो पढ़ा रही है, उनसे आप डायरेक्ट पढ़ के देखिए, अपने सवाल रखिए, क्वेश्चन करिए। और जो सोलो कोचिंग है, जो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के भरोसे चल रही है, मैं सजेस्ट करूंगा कि उनसे थोड़ा सा बच के रहें। अगर ज़्यादा लोग हैं तो यह है कि वो सब सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाते हैं, और उसमें भी वो टीचर्स कैसे हैं, रेगुलर हैं कि नहीं है, वो सब चीज़ें देख के कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। इस बार जो सिलेक्शन रेशो है, हाँ जी, वो भोपाल के चेहरे ज़्यादा उभर रहे हैं, क्या मानते हैं आप इसको? उसका कारण ये है कि भोपाल के जो बच्चे हैं वो सीरियस हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जो आपने अभी क्वेश्चन किया था लाइब्रेरी वाला, तो इंदौर में कोचिंग्स बहुत हैं पर वो कोचिंग बिजनेस हो गई है, और जो लाइब्रेरी वाला माहौल है, उस लाइब्रेरी वाले माहौल के कारण बच्चे नॉन सीरियस हो गए हैं। उनके ग्रुप्स बन गए हैं, दोस्ती कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि भोपाल में ये माहौल थोड़ा सा कम है, यहाँ लाइब्रेरीज उतनी ज्यादा नहीं है, उतने ज्यादा ग्रुप्स नहीं है, और कोचिंग में भी उस तरीके का माहौल जैसा कि भोलाराम या भवरपुरा पे है वैसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भोपाल से बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं और सीरियस बच्चे हैं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है, पिछली बार से देखा भी जाए, मतलब यूपीएससी में भी आप देखेंगे तो भोपाल के बच्चे मध्य प्रदेश के किसी और शहर की तुलना में ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं। तो भोपाल ऐसा माहौल देता है, यहाँ का माहौल अच्छा है, कंपटीशन अच्छा है, लोग मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका मेंटल लेवल अच्छा है और हेल्दी कॉम्पिटिशन है। जबकि इंदौर या कोई और शहर है वहाँ पे कॉम्पिटिशन तो है पर वो दिखने का कंपटीशन, एक्चुअल कंपटीशन जो एग्जाम में डिजायर्ड है या जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो कंपटीशन भोपाल मतलब इंदौर या कोई और शहर में उतना मुझे नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस बार भोपाल ने किया है, आगे भी मुझे लगता है कि भोपाल का रेशो बढ़ा रहेगा यदि इस तरीके से माहौल रहा। हाँ, ये है कि इंदौर में जो कोचिंग वाले हैं वो इस चीज से सीख लेकर के या बच्चे कुछ सीख लेकर के सीरियस हो जाएंगे तो फिर इंदौर वापस कर सकता है। बिल्कुल। और इस प्रिपरेशन के दौरान आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई, कोई गलतियां हुई जो ये स्टूडेंट देख रहे हैं आपका इंटरव्यू वो ना करें? हाँ, उसकी मतलब एक ये चीज रहती है कि जो स्टडी मटेरियल है उसकी समस्या सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि 40 के लगभग जो सब्जेक्ट हैं वो आपके मेंस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उसमें जो कंटेंट है, कंटेंट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने कंटेंट की जो तलाश में बहुत सारे रिसोर्सेज खंगाले तो ऐसी चीजों को भी पढ़ा जो नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए एस्पिरेंट हैं वो थोड़ा सा इस एग्जाम की सीरियसनेस को समझ के और अपने जो सोर्सेज हैं उनको पहले से ही अगर दुरुस्त रखें तो वो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है तो जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं तो सबसे पहले हर नोट्स को तो नहीं देखना है। सबसे पहले ये है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं या जो यूपीएससी या एमपीपीसी की प्रिपरेशन की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें यदि वो सब्जेक्ट दिया है तो हमें सबसे पहले उनसे कवर करना चाहिए, किसी और सोर्स से नहीं करना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट से रिलेटेड यदि कोई आपका इंस्टीट्यूट लगा हुआ है या कोई और भी चीज़ है तो उनकी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स हैं या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, जैसे WHO है, UNO है, ये सब चीज़ें हैं, ये इनके ऑफिशियल साइट से पढ़ना चाहिए और इनके जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं वो सब चीज़ें हमें इनके ऑफिशियल साइट से देखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट गूगल करके पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको वैसे सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को मतलब ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें से आपका पढ़ने का काम 20% ही, 80% आपका काम यही कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं या जो कंटेंट जितना भी अवेलेबल है उसमें फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो 80% चीज़ें तो पढ़नी नहीं होती हमें। तो ये एक सीरियस एस्पिरेंट आप जब बन जाएंगे, शुरुआत में टाइम लगता है 2-3 महीने 4 महीने, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो बुद्धि है या विवेक है जो मैं बोलूँगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा क्या लग रहा है आपको, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यू दे चुके हैं आप? हाँ हाँ, आपके साथ जुड़ के मुझे अच्छा लगा, कुछ नए क्वेश्चन भी आए और जो बिगिनर्स जो हमारे एस्पिरेंट होने वाले हैं मतलब उनके लिए कुछ नए क्वेश्चन थे, जैसे कि एक वो कोचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था या जो स्टडी रिलेटेड से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे इंटरव्यू देते हैं और हमें कहीं ना कहीं हर इंटरव्यू में अच्छा मतलब कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, नई चीज़ें कुछ मिली और मतलब मैं भी आई होप कि बच्चों को भी मतलब जो आप एस्पिरेंट जो आपका चैनल देखते हैं उनको भी कुछ अच्छी जानकारी मिले या कुछ फ्रूटफुल इसमें से मिले, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। कोई एडवाइस हो आपकी तरफ से? एडवाइस मैं जो आप एस्पिरेंट बच्चे देखना चाह रहे हैं उनको मतलब यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से तैयारी करना है, खुद पे भरोसा रखना है, आपके ऊपर आपके परिवार वालों ने जो भरोसा दिखाया है उसको आपको साबित करना है, प्रूव करना है। तो प्लीज़
ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ आप मेहनत करते जाइए तो सफलता एक दिन, जैसे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, आपका भी इंटरव्यू होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने शेयर की। आई होप आप सभी को पसंद आएगा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इंटरव्यू हमको किसका लेना चाहिए वो भी आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उनका भी इंटरव्यू लेने की और आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि जैसे भैया का जो इंटरव्यू लिया है, मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो नोट्स वगैरह की या फिर कुछ कॉपी है टेस्ट वगैरह की वो आपको डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने आंसर राइटिंग करी थी और कैसे अच्छा स्कोर किया। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।